देखिए, के पाठक के छुट्टी पर जाने के बाद ही विद्यालयों में अब होने लगी फिर से वही काम। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप बने हुए न्यूज पेयर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर जो निकल कर सामने आ रही है वो है आरा से। चलिए आपको बताते हैं क्या मामला आरा के है, जहां पर नवादा थाना अंतर्गत का यह मामला, जहां माध्यमिक विद्यालय में जीविका दीदी द्वारा खाना बनाया गया था और छात्राएं खाना में चावल खाए थे, जिसके बाद सुबह होकर सभी छात्राओं का हालत बिगड़ने लगी। आनन फानन में परिवार वाले उन लोगों को सदर अस्पताल ले जाते हैं, अस्पताल कराया जाता है। जिन छात्राओं ने वह खाना खाया था उन्होंने साफ तौर से बताया कि जीविका दीदी द्वारा लाया गया वह खाना था। माध्यमिक विद्यालय में हम लोग चावल खाए थे, शाम का समय था, चावल रखा गया था, चावल कच्ची थी। वह खाने के बाद कल होकर उन लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। परिवार वालों में कोहराम मच गया कि आखिर क्या हुआ। आनन फानन में सभी छात्राओं को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां छात्राओं ने साफ तौर से कहा कच्चे चावल। देखिए, जब तक के पाठक थे एक भी शिकायत माध्यमिक विद्यालय सरकारी विद्यालय से नहीं आ रही थी। सभी टाइम टेबल पे कामें हो रही थी, सभी हरकत में थे, लेकिन के पाठक के छुट्टी पर जाने के बाद एक लापरवाही तो सामने निकल कर आ ही गई, जो आप साफ तौर से जान रहे हैं। कच्चे चावल यानी माध्यमिक विद्यालय में कच्चे चावल परोसे गए, जिससे छात्रा बीमार हो गई और अस्पताल पहुँच गई।